हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टीम मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड यानी ईडी सेकेंड के टॉप 10 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और ये जो टॉप 10 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इससे अपनी प्रैक्टिस को जाँचेंगे, ठीक है, कि आप लोग की प्रिपरेशन क्या चल रही, क्या कैसी है, ठीक है, एग्जाम के लिए, एग्जाम की दृष्टि से, तो उसको भी चेक कर पाएंगे। तो चलते हैं सीधा आज के क्वेश्चनों पर। इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि जो टॉप, देखिए जो 25 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हम कराए थे ईडी का, ठीक है, 25 एमसीक्यू जो क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें एक मिस्टेकिंग क्या हो गई थी कि देखिए उसमें कोई भी फिगर नहीं बना हुआ था, ठीक है, ये जो फिगर बने हैं ये कोई भी फिगर नहीं बना हुआ था, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो देखिए अब आप लोगों को बताते हैं, इसमें आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं सब समझ में आप लोगों को आ जाएगा। तो चलते हैं, देखिए सीधा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए निम्न में से नकल चूड़ी की आकृति है, ठीक है, तो नकल थ्रेड, ठीक है, क्या नकल थ्रेड, तो नकल चूड़ी जो है उसकी आकृति कौन सी है, तो ये देखिए ये है कि ये है कि ऑप्शन सी है कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो नकल थ्रेड होता है, नकल थ्रेड जो हमारा है, तो इसके लिए फिगर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों अनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बाकी हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो नकल थ्रेड होता है, ठीक है, नकल थ्रेड जो होता है ऊपर से ऐसे ही, देखिए BSW भी होता है, सेम ऐसे ही BSW भी होता है, क्योंकि उसका 55 डिग्री एंगल होता है, ठीक है, 55 डिग्री। अब देखिए ऐसे ही होता है लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है, क्या कि ये जो यहाँ पर है, ठीक है, ये ऊपर वाला, ये जो और जो नीचे वाला है ये थोड़ा नुकीला टाइप का होता है, हल्का सा, ठीक है, और ये जो है ये पूरा आपका गोल बनेगा, ठीक है, इस टाइप का। तो याद रखेंगे जो नकल थ्रेड है उसके लिए हमारा आंसर ये करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए मप कपलिंग एक है डेड डैश, ठीक है, तो मप कपलिंग क्या है, तो मप कपलिंग एक रिगिट कपलिंग है, क्या है, रिगिट कपलिंग है, तो रिगिट कपलिंग यानी ऑप्शन हमारा, देखिए जो रिगिट कपलिंग ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी दृढ़ कपलिंग इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में रिगिट कपलिंग, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चूड़ी की जड़ तथा शिखर के बीच की सतह क्या कहलाती है, मतलब जो चूड़ी की सरफेस है, ठीक है, चूड़ी का रूट जो है जड़, ठीक है, रूट और जो शिखर के बीच जो सरफेस है, ठीक है, शिखर के बीच जो, देखिए क्रेस्ट के बीच जो सरफेस है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए एक चूड़ी किस प्रकार की, मान लीजिए इस प्रकार की बनती है, ठीक है, अब इस प्रकार की बनती है तो ये तो हमारा हो गया जड़, ठीक है, ये हमारा रूट हो गया। और देखिए क्या कह रहा है कि शिखर के बीच, तो देखिए इसको, तो ये जो हमारा दोनों सरफेस है इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही कहा जाता है जो हमारा फ्लैंक है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, फ्लैंक कहा जाता है, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टैप बोल्ट अथवा कैप स्क्रू में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो देखिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, यानी ढिबरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है किसमें, तो ये जो हमारा कैप स्क्रू और टैप बोल्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सागोनल नट को किसके द्वारा खोला या कसा जा सकता है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो किसके द्वारा खोला या कसा जा सकता है, तो स्पैनर्स द्वारा, स्पैनर्स द्वारा इसको खोल या कस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेट का साइज व्यक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, रिवेट का जो साइज होता है, ठीक है, किसका, तो रिवेट का, तो रिवेट का साइज ऑलवेज जो हमारा सैंक का डायमीटर होता है इसके द्वारा ही जो क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, सैंक, ठीक है, सैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्टार्ट चूड़ी में लिड होती है, तो लिड कितनी होती है, तो ये ऑलवेज 2P के बराबर होती है, ठीक है, 2P, यानी पी जहाँ कैप पिच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपर पिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो टेपर पिन ऑलवेज असेंबली में यूज होती है, किसमें, तो देखिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, असेंबली में, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटों के दबाव से ना खुलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे देखिए लॉकिंग कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लॉकिंग ही कहलाता है ये प्रोसेस,
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, वर्गाकार चूड़ी के लिए कौन सा कथन सही है, मतलब वर्गाकार चूड़ी किस कैसी है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं ऑप्शनों पर। इसके लिए स्क्वायर के लिए, ठीक है, स्क्वायर थ्रेड के लिए कह रहा है, तो इसमें भी इस फिगर उसी टाइप का जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप का था। ठीक है, तो स्क्वायर थ्रेड के लिए कौन सा फिगर सही होगा, तो देखिए हमारा स्क्वायर के लिए कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में ऑलवेज ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब याद रखेंगे, तो अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा नकल थ्रेड हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन से याद रखेंगे ऑप्शन ए को। ठीक है, तो अब अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।